दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरपीएस समाचार पर, जहां देखेंगे खबर सच। बहुत बहुत स्वागत है आरपीएस समाचार में। आज क्या कहना चाहते हो? आज बोलिए गिरिराज महाराज की जय। जैसा भाई गुप्ता जी आपने कहा, ये तो मेरे चुनाव की फील्ड में आप रहे भी थे, आपने देखा भी था। मेरे चुनाव में जब जीत क्षेत्र में पहुंचे थे, जनता ने जो भावना व्यक्त की, आज उन्होंने जनता ने पूरा प्यार दिया। वही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 स्टेट का चुनाव हुआ। 4 स्टेट में हम 3/4 बहुमत से ज़्यादा लेके हमारी सरकार करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी आप सब कह रहे थे गठबंधन गठबंधन, सब फेल। खाली योगी मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो धरातल का साकार हुआ। इसी तरह से आने वाले समय में भी हमारी सरकारें, डबल इंजन की सरकारें, इसी तरह से प्रदेश का, देश के हित में, विकास में आगे बढ़ती रहेंगी। इतना ही नहीं है, इस चुनाव में अपनी ओर से, अपने संगठन की ओर से पदाधिकारियों को, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और मेरे वोटर्स को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और ये भी मैं आपसे वादा कर रहे हैं, आने वाले समय में जनता का जो आशीर्वाद वोट के रूप में मुझे कर्ज मिला है, उस कर्ज को मैं विकास के रूप में ब्याज समेत वापस करूँगा। आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रहे थे बलदेव विधानसभा से पुनः विधायक चुने गए थे पूरन प्रकाश जी। इन्होंने ये बताया कि बलदेव वासियों ने हमको बहुत प्यार दिया है। यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता इनका जोशीले अंदाज में आज स्वागत समारोह कर रहे हैं, देख रहे हैं। उनके आवास पर हम मौजूद हैं और बधाई देने वालों का विधायक जी को तांता लगा हुआ है। और देखते हैं कि अब बलदेव की जो समस्याएं हैं उनके निदान होने का विधायक जी ने जनमानस को भरोसा दिलाया। मथुरा से जर्नलिस्ट कृष्णा गुप्ता, ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूले, आइकन बेल दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे प्रत्येक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि प्रत्येक दिन का राशिफल, प्रत्येक पर्व का आर्टिकल, नई और ताजी खबरें।